यूक्रेन युद्ध रोकने वाले बयानों के बीच वॉरजोन में उतरे किम जोंग के जवान कुसर्क में यूक्रेनी सैनिकों के साथ हुई झड़प। जिसका डर था वही हुआ। रूस यूक्रेन जंग का दायरा आखिर बन ही गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के जवानों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच सीमित जंग शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के कुसर्क में नॉर्थ कोरिया के जवानों ने कुछ इलाके पर यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़कर कब्जा भी जमा लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ और रूसी सेना का साथ देते नॉर्थ कोरिया के जवान जंगी मोर्चे पर हैं। जेलेंस्की ने कहा कि उत्तर कोरिया के 11,000 सैनिक कुसर्क में इकट्ठा हो चुके हैं। यूक्रेन की तरफ से ये भी कहा गया कि उत्तर कोरिया के सैनिकों को भी नुकसान पहुंचा है। वॉर जोन में रूस ने अमेरिका की चेतावनी को खारिज कर दिया और अब रूसी इन्फेंट्री ब्रिगेड इन सैनिकों को कवर फायर दे रही है। अमेरिका में सियासी बदलाव की बयार के बीच इसराइल ने भी सख्त तेवर दिखाए हैं। पीएम नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। योव गैलेंट को कैबिनेट से निकाले जाने का असर ये हुआ कि इसराइल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के घर के बाहर नारेबाजी की। बाद में पुलिस ने इन्हें खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि इजरायली पंतकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू योव गैलेंट की अप्रोच से नाराज थे। हालांकि इस बीच गजा के जबालिया में इजरायल की ग्राउंड फोर्स का असॉल्ट ऑपरेशन जारी है। लेबनन में भी इजरायल ने हिजबुल्ला के खिलाफ हमले जारी रखे। बाजरा इलाके में बिल्डिंग को उड़ा दिया। 30 लोगों की मौत हो गई। इजरायल का साफ कहना है कि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती वो गजा में जंग जारी रखे। ABP News आपको रखे आगे।